afternoon to all of you. So start energy. Energy जो है अगर हम इसको define करें तो it is the whatever the work we have done, it is comes in the form of energy. If we go for the energy, the scientific definition is said that whatever the work done completed by us, either in the any form, it is known as energy. So as per their as per the work done we have done, energy has been present in various forms. Two basic forms are kinetic energy and potential energy. Potential energy means whatever the energy is stored in the in particular object, it not in moving part, whereas the kinetic energy, conversion of energy from one form to another, means energy is moving from one particle to another particle as per the work or as per the working efficiency. अब अगर हम सिंगल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है. इज इट राइट? तो हम कह रहे थे कि जो है जो हमारी दो फॉर्म्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उन्हीं के अंडर जो है डिफरेंट सब फॉर्म्स है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है. सो पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर हम बात हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है ह्यूमन बॉडी में? मैम केमिकल एनर्जी. ओके, और इसके अलावा जो है मतलब हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, दैट इज फाइन. इसी तरह जो अदर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या हो सकता है अदर ऑब्जेक्ट्स? आपके ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हो सकते हैं, नीड एनर्जी. वहां पर भी जो है वो एनर्जी का यूज करते हैं किस फॉर्म से? मे बी केमिकल एनर्जी, मे बी इट मे बी थर्मल एनर्जी. सो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एज पर देयर स्टोरेज और एज पर देयर वर्किंग मोड दे हैव बीन चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एक रूल और हमने शायद पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड 100% एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर. इज इट राइट और रॉन्ग? यस मैम, इट इज राइट. 100% एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड आइडियली? नो मैम, आइडियली इट इज राइट. आइडियल केस में होता है, वैसे नहीं होता. हां, प्रैक्टिकल पार्ट इसका सेकंड लॉ है, सेकंड लॉसेस होते हैं. गुड गुड. लॉज ऑफ क्या बोलते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है. बिल्कुल, एफिशिएंसी हर चीज नहीं होती है. फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, उसमें से दो लॉ ये कहते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी पार्ट पे, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड वन इज 100% एफिशिएंट सिस्टम्स प्रैक्टिकली या आइडियली नॉट पॉसिबल. मींस कुछ ना कुछ जो है एनर्जी है वो आपकी डिसिपेट होगी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में. इसी पार्ट पे इसको जो है एनर्जी को हमने टू ग्रेड्स में डिफाइन करा है, हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी. हाई ग्रेड एनर्जी मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी है उसको हम कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, वेयर एज जो आपकी डिसिपेटेड फॉर्म्स या डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं एंड सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, उसमें जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, दैट इज नोन एज लो ग्रेड एनर्जी. तो एनर्जी की डेफिनेशन हुई, बेसिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो है एक हमारा मेमोरी जो है जो कहीं बैक में चली गई है वो आगे रिकॉल कर ले हम उसको. तो एनर्जी डेफिनेशन हुई, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हुई, देन हमने बताया कि ग्रेड्स ऑफ एनर्जी, हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड एनर्जी. अब इम्पोर्टेंस क्यों है एनर्जी की? क्योंकि जो एनर्जी है वो आइदर हीट और पावर फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है. तो हम जो भी केमिकल जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी
रॉ मटेरियल की फाइनल प्रोडक्ट के लिए या दूसरे बाई प्रोडक्ट के लिए, वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पर एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हो, न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट हो, कोल जो है आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हो, तो कहीं ना कहीं अगर कोल एज सच रखा है तो वो आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पर जब हम उसको कन्वर्जन करते हैं कोल से डिफरेंट फॉर्म्स में तो दैट कम्स अंडर काइनेटिक एनर्जी। तो जो प्रोसेसेस है उन सब कंप्लीट करने के लिए या लो ग्रेड और हाई ग्रेड एनर्जी को स्टोर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, बॉडी मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, प्रोसेस मूवमेंट्स के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द होल इकोसिस्टम। पिरामिड्स पढ़े होंगे शायद आपने, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है हमेशा, इकोसिस्टम पढ़ा है मैम, सीधा होता है, इरेक्ट, इट इज ऑलवेज अपराइट, यस। So it is the major primary and secondary energy sources what we are using presently. Main sources are coal, hydro, nuclear, natural gas, petroleum. There are the different processing steps. And as per the primary energy source, these are converted into the secondary energy formats. These are either the thermal form or electricity form. और एनर्जी स्टीम को एज वी डिस्कस अबाउट नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस, इट मेनली बिलोंग्स टू द फायरवुड, एग्रो वेस्ट इन रूरल एरियाज। इन द एंशिएंट टाइम वी आर यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर वाटर हीटिंग पर्पसेस, फॉर ड्राइंग ग्रेन के लिए जो है उसके लिए यूज करते थे। एनिमल पावर फॉर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, नॉन कमर्शियल एनर्जी, इट इज पार्ट ऑफ नॉन कमर्शियल एनर्जी। लिफ्टिंग ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, क्रशिंग ऑफ शुगर केन, विंड एनर्जी को जो है पुराने टाइम में हम लोग यूज करते थे जो है क्रशिंग के लिए, लिफ्टिंग वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और जब हम इन सबको कहीं ना कहीं अपने हाई ग्रेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, देन इट कम्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी लिग्नाइट, लिग्नाइट के जो है फॉर्म है कोल की। देन कोल की कौन कौन सी फॉर्म्स है, हाईएस्ट एनर्जी किसमें मिलती है मैम, एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट, और लोएस्ट कौन सी है मैम, पीट, गुड, थैंक यू। एक हमने सेक्शन बताया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो वॉट एवर, एक तो हमने अच्छा तीन वर्ड्स होते हैं, सोर्स, रिसोर्स एंड रिजर्व्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सोर्स, रिसोर्स एंड रिजर्व्स। एनीवन कैन define me the thing, no, the source is whatever the available as per their potential, it may be in short form or long form or large form. Resource is utilization of that source for as per our need for particular demand or for the particular area, whereas reserves is whatever we have in stored form. Hum abhi kya kehte hain ki hamare paas coal ke jo hai next 30 years ke hi reserves hain, और उसके बाद वो जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे।
ठीक है, तो तीनों टर्म्स में एक डिफरेंस है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हम, जो हमने क्लासिफिकेशन बताया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में हमने कहा कि दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एंड इट इज रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, नॉन इट इज एग्जॉस्टेबल फॉर्म ऑफ सोर्स। इट इज अ सिंपल डायग्राम विच इज शोइंग दैट व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और alternative clean and energy, clean alternative energy sources we have in our on planet earth, and where the, on the other side we have the non renewable energy source mainly belongs to coal, fossil fuel, natural gas, and sometimes nuclear is a controversial section. It comes sometimes, some persons it in renewable part and some say it is in non renewable part, but it is a one of the most energy generating source. Whereas on the renewable part we have hydropower, biomass energy, geothermal energy, wind energy and solar energy. Is it clear? Yes ma'am. So now we take one by one all the energy sources we have. First we take the renewable sources of energy. On that part solar energy is the primary energy source. Yeah, any query? So sun is the biggest source of energy and we get solar, and what were the energy in the form of solar energy, flowing of water, flowing of wind, water cycle, photosynthesis. What are the different phenomena in the nature carried from time to time or as per the their conditions? So it somehow influenced by the solar energy. पुराने जमाने में जो है सोलर एनर्जी हम किस किस पार्ट के लिए यूज करते थे? ड्राइंग के लिए, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, फूड कुकिंग के लिए भी जो है सोलर एनर्जी यूज होती थी। अभी उसको जो है हमने एडवांस फॉर्म में जब हम उसको यूज करते हैं तो हम सोलर कुकर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं या यूज करते हैं जिसमें जो है सोलर एनर्जी यूज होती है फॉर प्रिपेयरिंग द फूड और कुकिंग द फूड। वाटर हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, पंपिंग ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी जो हमारे पास आती है वो किस फॉर्म में आती है? सोलर रेडिएशन। तो जो सोलर रेडिएशन है, एक होता है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जो अर्थ सरफेस पर आ रहा है ये एटमॉस्फेयर से पास होकर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर से जो पास होकर जो है रेडिएशन अर्थ तक पहुंचता है, लैंड तक पहुंचता है। आइदर इट इज इन स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटरिंग मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में उसका मूवमेंट होना,
One is diffuse radiation. तो जो अर्थ सरफेस पे विदाउट चेंज विदाउट एनी चेंज ऑफ डायरेक्शन जो है जो रेडिएशन रिसीव हो रहा है उसको हम कहते हैं बीम और डायरेक्ट रेडिएशन विदाउट एनी हिंड्रेंस डायरेक्ट जो है वो मूव हो अर्थ पर पहुंच रहा है जबकि जो है जो स्कैटर्ड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज डिफ्यूज रेडिएशन और जो आपका बीम रेडिएशन या डायरेक्ट रेडिएशन प्लस डिफ्यूज रेडिएशन को मिला के हम बोलते हैं टोटल या ग्लोबल रेडिएशन means total कितना हमारे पास scattered form में या जो है आप जो है direct form में हमारे पास पहुंचा that is known as total radiation और global radiation. अब इन radiations को जो है कैसे measure करते हैं anyone has the idea? We have used the instrument that is known as pyranometer. PYRANOMETER, pyranometer. One another instrument is pyroheliometer. Pyroheliometer, pyranometer, which measures the global or diffuse radiation falling on a horizontal surface. तो जो फ्लक्स है जो रेडिएशन अर्थ पर पहुंच रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम सोलर रेडिएशन जो है हम वो मेजर कर सकते हैं। जो इसकी यूनिट होती है मेजरिंग करने की दैट इज नोन इज वॉट पर मीटर स्क्वायर ठीक है जबकि जो आपका पायरोहीलियोमीटर है वो केवल जो बीम रेडिएशन या डायरेक्ट रेडिएशन आ रहा है सरफेस पर केवल उसको मेजर करता है इज इट क्लियर कि देयर आर टू इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच वी आर यूजिंग पायरोनोमीटर एंड पायरोहीलियोमीटर पायरानोमीटर क्या करता है आपका जो टोटल रेडिएशन है उसको मेजर करता है मींस टोटल रेडिएशन मींस बीम रेडिएशन एंड द डिफ्यूज रेडिएशन वेयर एज जो पायरोहीलियोमीटर है PYRHELIO पायरोहीलियोमीटर इट मेजर्स ओनली द बीम रेडिएशन क्लियर तो ये तो हुआ रेडिएशन के बारे में सोलर एनर्जी अर्थ पर जब पहुंच रही है तो उस रेडिएशन को हम कैसे मेजर करते हैं किस फॉर्म में वो जो है डिफ्यूजर जो है आपके डायरेक्ट की फॉर्म में जो पहुंच रही है उसको कैसे मेजर करते हैं देन अब हम सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं या इनडायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम उसको डायरेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं मीन्स पीवी पैनल्स देखे होंगे आपने सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स हेलो हेलो मैम यस मैम देखे हुए हैं सोलर पैनल देखे हैं सबने यस मैम तो दैट कम्स अंडर एक्टिव सोलर एनर्जी और पैसिव सोलर एनर्जी मैम एक्टिव मैम क्या डिफरेंस होता है एक्टिव सोलर एनर्जी और पैसिव सोलर एनर्जी में कोई नहीं हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जो भी है आपको पता है वो बताएं
मैम एक्टिव में मे बी डायरेक्टली फॉर्म में जो होता है और पैसिव में जो कन्वर्टेड शायद मैम सही है. एक्चुअली एक्टिव सोलर एनर्जी में और पैसिव सोलर एनर्जी में डिफरेंस होता है कि एक्टिव सोलर एनर्जी में हम बीच में कुछ एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिकल डिवाइस यूज करेंगे उस सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. जबकि अगर हम उसकी बात करें अपने पैसिव सोलर एनर्जी की, तो उसमें जो हमारे पास सोलर रेज आ रही है उसको इनडायरेक्टली विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट जो है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं या उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. ओके मैम. अब जैसे हम पीवी पैनल्स की बात कर रहे हैं तो एक्टिव सोलर एनर्जी में क्या है, जो सोलर रेडिएशन उस पर पड़ रही है आपके जो है उस पर्टिकुलर सरफेस पर जिसमें जो है चिप्स वगैरह लगे हुए हैं, क्या होते हैं वो सोलर पैनल्स में क्या लगा होता है? फोटोवोल्टिक सेल्स. मैम फोटोवोल्टिक सेल्स में क्या होता है, क्या मटेरियल यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन. सिलिकॉन जर्मेनियम की चिप वो लगी होती है ना, लेयरिंग्स. तो जो सोलर सोलर सेल्स, हाँ सोलर सेल्स जो होते हैं वो आपके सिलिकॉन जर्मेनियम मटेरियल के बने होते हैं जो पुराने हम जो कन्वेंशनल पार्ट पर यूज करते थे. आज की डेट में कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंटली सेफ नहीं है. जब उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हम ऑर्गेनिक सोलर सेल्स की बात कर रहे हैं. क्लियर. तो वो जो है, अब हम जब एक ऐसे पार्ट की बात कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंटली क्लीन होना चाहिए, तो उस पार्ट के लिए हमें मटेरियल्स भी ऐसे यूज करने पड़ेंगे जो एनर्जी को स्टोर तो कर ले पर जब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए और उसे हम एनवायरमेंट में डिस्पोज ऑफ करें तो वो वहां पर प्रॉब्लम ना क्रिएट करें. उसी पार्ट में जो नई रिसर्चेस चल रही है, दैट कम्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी पर्टिकुलरली फोकस ऑन दी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सोलर सेल्स. It should not harm the environment. Ma'am, solar cells comes under renewable or non-renewable? It is renewable. Solar energy आपके पास 365 days में से 360 days almost available है. But ma'am, solar panels तो आप कह रहे कि renewable नहीं है. नहीं, मैंने ये कब बोला solar panels renewable नहीं है? मतलब एक time जब वो waste हो जाते हैं तो वेस्ट वाले पार्ट का वो तो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ना. यस मैम. यस मैम. एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए. मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. मैम मैंने स्क्रीन बंद करी हुई है, अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं. ओके मैम. व्हाट इज ऑर्गेनिक सोलर सेल मींस? ऑर्गेनिक सोलर सेल्स मींस जो हम ऐसे मटेरियल्स या केमिकल बेस्ड ऐसे मटेरियल्स या डिग्रेडेबल बेस्ड ऐसे मटेरियल्स जो एनवायरमेंट में लॉन्ग लास्टिंग ना हो, उस टाइप के मटेरियल्स को, और उसमें एनर्जी भी ट्रैप हो जाए, जस्ट लाइक अल्टरनेटिव ऑफ द सिलिकॉन जर्मेनियम सेल्स. ओके मैम. तो एक्टिव सोलर एनर्जी का एक पार्ट हुआ सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स. इसी तरह सोलर कलेक्टर्स और कंसंट्रेटर्स होते हैं. सोलर कलेक्टर्स और कंसंट्रेटर्स क्या होते हैं? अगेन जो है सोलर रेज जो आ रही है उनको रिसीव करते हैं और एनर्जी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एक बेसिक पॉइंट पे जो है फोकल पॉइंट पे, जैसे हैंड लेंस होता है ना, आपने देखा होगा जब हम उसके नीचे पेपर बर्न करते हैं
सभी ने मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंट करा होगा बचपन में. तो जो सन रेज है वो उस पेपर को बर्न कर देती है. तो उसका बेसिक रीजन क्या है कि जो सन रेज है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर फोकस कर रही है और वो हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसको पेपर को बर्न आउट कर देती है. तो जो सोलर जैसे हमने सोलर पैनल्स में सोलर कलेक्टर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर्स हैज बीन साइटेड इन द लिटरेचर. फ्लैट प्लेट टाइप विदाउट एनी फोकसिंग. फ्लैट प्लेट टाइप मीन्स जस्ट लाइक टेबल टॉप और वहां पर जो है वो आइदर द पैनल जो है डिफरेंट ट्यूब्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर या लिक्विड फ्लो करके हीट सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है. देन पैराबोलिक प्रूफ टाइप कलेक्टर्स होते हैं. पैराबोलिक प्रूफ टाइप कलेक्टर्स में क्या होता है एनीवन हैव एक्सपोजर ऑफ दिस पैराबोलिक प्रूफ टाइप कलेक्टर. It is just like an structure. आपने बड़ा सा पाइप लिया और उसको टू सेक्शंस में डिवाइड कर दिया तो एक बाउल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा. अगर हमने लार्ज डायमीटर का पाइप लिया और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक होलो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज लाइक दी बाउल सॉर्ट ऑफ. तो वहां पर जो है जब सन रेज आएंगी उसको हम एक पर्टिकुलर बीच में सेंट्रिक ट्यूब से जो है वहां पर सोलर रेज को कलेक्ट कर लेते हैं और उनको कंसंट्रेट करते हैं. दैट इज नोन एज पैराबोलिक प्रूफ ट्राइप कलेक्टर. थर्ड इज पैराबोलॉइड डिश टाइप सेंट्रल फोकसिंग जिसमें आपने डिश टाइप जो स्ट्रक्चर होता है जैसे टीवी की डिशेस होती हैं ये सैटेलाइट टाइप स्ट्रक्चर जो है उसमें जो है एक सेंट्रल पॉइंट पर सन रेज या सोलर रेज को कलेक्ट करते हैं. नॉर्मली पैराबोलॉइड डिश टाइप जो आपके कलेक्टर्स हैं इनको हम सोलर बेस्ड कुकिंग के लिए यूज करते हैं और इसमें टेम्परेचर रेंज जो है वो आपकी 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अचीव कर लेते हैं. पैराबोलिक प्रूफ टाइप में जो टेम्परेचर रेंज है वो आपकी 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है. ठीक है. सोलर कलेक्टर्स और सोलर कंसंट्रेटर्स की एक और रेंज है दैट इज नोन एज हेलियोस्टेट्स. हेलियोस्टेट्स विद सेंटर रिसीविंग फोकसिंग मींस बीच में एक टावर बना के और उसके चारों ओर जो है वो सोलर बेस्ड मतलब ग्लेजिंग मटेरियल्स के जो है सोलर बेस्ड स्ट्रक्चर्स को जो है उसको चारों तरफ से जो है कवर कर देते हैं और उन सब की लाइट उस पर्टिकुलर टावर पे फोकस होती है. क्लियर. इज इट क्लियर. यस मैम. तो ये तो हमने बात करी एक्टिव सोलर सिस्टम्स की. अब हम बात करते हैं पैसिव सोलर सिस्टम्स की. पैसिव सोलर सिस्टम्स में क्या होता है. हमने कहा था कि जहां पर हम सोलर लाइट या जो विंड मूवमेंट्स है उनको पर्टिकुलर विदाउट एनी मैकेनिकल डिवाइस जो है उसको यूटिलाइज करें. स्क्रीन शेयर हो रही है. यस मैम.
यस मैम विजिबल यस मैम यस मैडम यस अभी विजिबल ओके सो इट इज अ वन ऑफ द डायग्राम व्हिच इज शोइंग दैट हाउ इन यूजिंग सोलर एनर्जी ऑन द पैसिव पार्ट It is a hut shape type structure. यहां पर आप देख पा रहे हैं एक समर सन बना हुआ है और एक विंटर सन बना हुआ है क्लियर है विजन जी तो जो समर सन है उसमें yes, होगा यहां पर इन्होंने टू लेयरिंग जो है फॉल्स सीलिंग यूटिलाइज करी हुई है फॉल्स सीलिंग मीन्स जो एनर्जी अंदर ट्रैप हो रही है उसको समर में उस एनर्जी को जो है हम एयर कूल करने के लिए यूज करते हैं जबकि विंटर में उसी जो एनर्जी है उसको हम उसको हीट करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को या बिल्डिंग को हीट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। फिर यहां पर ये एब्जॉर्बर एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है जो उस हीटिंग को हीट या जो आपकी जो एनर्जी है उसको ट्रैप करता है थर्मल मास होता है जो उसको डिसिपेट नहीं होने देता और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स विद द विंड और इन द एयर व्हाट एवर द एयर प्रेजेंट इन वो मूवमेंट जो है अच्छा हॉट एयर और कूल एयर का क्या फिनोमिना है हॉट एयर ऊपर रहती है कि कूल एयर ऊपर रहती है हम हॉट एयर ऊपर रहती है हॉट एयर हल्की होती है ठीक तो इसी फिनोमिना पे ये जो आपकी सोलर एनर्जी जब इस पर्टिकुलर बिल्डिंग तो वो वहां पर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स में हेल्प करती है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में तो वहां पर हम हाई ग्रेड इलेक्ट्रिसिटी जो है जो हम कोल या थर्मल से यूज कर रहे हैं हाई ग्रेड इलेक्ट्रिसिटी उसको हम उसका मिनिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हुए सोलर एनर्जी के आपके दो सिस्टम्स हमने बताए एक्टिव सोलर एनर्जी और पैसिव सोलर एनर्जी एक्टिव सोलर एनर्जी में सोलर फोटोवोल्टेक्स हुए सोलर कलेक्टर्स हुए सोलर कंसंट्रेटिंग कुकर्स हुए सोलर कुकर हुआ पैसिव में हम सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं फॉर दी हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ दी बिल्डिंग्स इसी पार्ट पे सम पीसीएम मटेरियल्स होते हैं जैसे फेस चेंजिंग मटेरियल्स कोई नाम आप बताएंगे कोई ऐसा कौन सा मटेरियल है जो आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में मिलता है वाटर गुड वाटर ये आपको तीनों फॉर्म में मिलता है तो जब ये अपनी फॉर्म्स को कन्वर्ट करता है एक से दूसरे में तो इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती होगी है ना होती है यस मैम ऐसे ही कुछ केमिकल्स हैं जो अपना जब फॉर्म चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं आज की डेट में एक नई रिसर्च ये चल रही है कि उन फेस चेंजिंग मटेरियल्स को अगर हम ऑन द पार्ट ऑफ और ऑन द अल्टरनेटिव ऑफ यूज कर पाए तो हम शायद बहुत जो हमारे consumptions have on the part of conventional sources, coal, oil, petroleum, natural gas, उनको हम कहीं ना कहीं reduce कर सकते हैं। और Germany वगैरह में या European sites में ये वाली concept अभी जो है वो commercial scale पर भी आ गया है ठीक है अब थोड़ा पॉलिसी बेस बात कर लेते हैं ये तो हुआ सोलर एनर्जी रिलेटेड इंडिया में इसका जो है अभी रिसेंट में ग्लासगो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी
इसमें बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए कि कैसे हम क्लीन एनर्जी मूवमेंट्स को एक्सपीडाइट कर सकते हैं, जिसमें से जो आप क्या मैम 70 तक पूरा वो रिन्यूअल पे आ जाना है। हाँ 2070 तक हमें पूरा रिन्यूअल पे आ जाना है, जिसमें मेजर जो सेक्टर्स हैं वो आपके अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सेक्टर्स हैं, बायोमास है, विंड है, सोलर है, हाइड्रो है, दीज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स विच हेल्प इन अचीविंग दिस टारगेट। इसी में एक है जवाहरलाल नेहरू मिशन, ऑल्दो इट इज 100 गीगावाट। हाँ जी बिल्कुल, कैपेसिटी जो है कैपेसिटी वाइज पोटेंशियल जो है जो एक्सप्लोर किया गया है, होपफुली वी विल डेफिनेटली अचीव दिस टारगेट। तो जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, इट पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द सोलर एनर्जी हार्नेसिंग, और ये इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका वन ऑफ द पार्ट है। तीन फेजेस में ये वर्कआउट कर चुका है, 10 to 12, 13 to 17 एंड 17 to 22। सो वी आर मूविंग इन द थर्ड फेज, जिसमें आपके डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है इनिशिएट हुए हैं। ठीक है, तो ये सब इसका नेशनल सोलर मिशन का सेक्शन है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। रिन्यूएबल में हमने पहले बात करी सोलर की, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स विंड एनर्जी। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। जब सोलर की हमने बात तो कर ली, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं क्या? इज देयर एनी ड्रॉबैक्स रिलेटेड विद सोलर? एरिया ज्यादा चाहिए होता है। ओके यस मैम। खराब वेदर हो तो जो है वो उसकी वर्किंग नहीं होगी। और एक और है कि समटाइम्स जो है जब वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है तो हम इसको क्या स्टोर कर सकते हैं? नो मैम, इलेक्ट्रिसिटी अभी तक स्टोर नहीं कर पाते, बस बहुत छोटी फॉर्म में हम जैसे जन उसमें कर देते हैं घर में, जैसे हम इन्वर्टर वगैरह में, बाकी लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं कर सकते स्टोर, ये कंटिन्यूस चलती है। बिल्कुल, तो जो ये वाला कुछ सेक्शंस है ये इसमें डिसएडवांटेजेस हैं सोलर वाले पार्ट पर, कि मैक्सिमम जो है डे टाइम में ही हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो नाइट टाइम में अवेलेबिलिटी का हमने अल्टरनेटिव ये निकाला है कि उसको स्टोर बैटरीज फॉर्मेट में उसको स्टोर कर सकते हैं, पर वो लार्ज स्केल पर वो पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी सी नहीं है, अभी मतलब वो प्रॉपर नहीं है, 100% हम उसको नहीं कह सकते सिस्टम को। ठीक है, तो ऐसे ही जी है। It is also one of the fastest growing renewable energy technologies. Worldwide iska utilization potential bhi hai aur utilization bhi hai. Ye mainly kis factor par depend karegi? Wind velocity par depend karti hai. Wind velocity par. Purane time se wind apne wo chakki dekhi hogi na? पवन चक्की बोलते हैं उसको। yes, ma'am. चलती वह है विंड वेलोसिटी के हिसाब से ही, और उससे जो है वाटर को अपलिफ्टिंग होती है। यहाँ जेएनके रीजन में काफी विंड मिल्स पुरानी वाली जो है वो है अवेलेबल। सो ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड जनरेशन कैपेसिटी की बात करें, ऑनशोर एंड ऑफशोर हैज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ ऑलमोस्ट 75 इन द पास्ट 2 decades। मीन्स जो पोटेंशियल हमारे पास है उसको एक्सप्लोर करने के लिए अ लॉट ऑफ रिसर्चेस हैज बीन डन बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर,
to make it on the commercial sized side available. जितने भी ऑफशोर एरियाज हैं वहां पर या जियोग्राफिकल लोकेशन हम कहें तो एक जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऑन द पार्ट ऑफ विंड एनर्जी हार्नेसिंग. तो मेजर जो विंड एनर्जी स्टेट्स हैं दैट आर गुजरात, हाँ गुजरात, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु, मोस्टली कोस्टल एरियाज, मोस्टली कोस्टल एरियाज, और समटाइम्स जो है जो आपके प्लेटू एरियाज हैं दैट इज ऑल्सो इन दैट पार्ट. एज पर देयर अवेलेबिलिटी और द पोटेंशियल जो है इनको तीन स्केल्स में डिवाइड किया गया है. यूटिलिटी स्केल विंड एनर्जी, नॉर्मली जो लार्ज स्केल विंड प्रोजेक्ट्स हैं और विंड टर्बाइन्स हैं वो दैट कम्स अंडर दैट सेक्शन, देन ऑफशोर विंड एनर्जी, एंड थर्ड इज द स्मॉल स्केल और डिस्ट्रीब्यूटेड विंड एनर्जी जो मेनली आपकी छोटी विंड टर्बाइन्स हैं या नंबर ऑफ विंड टर्बाइन्स जो है वो कम है तो वहां पर वो कैसे एक्सप्लोर करते हैं. अब इसकी जो है टू टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन्स जो है वो डिस्कस की गई है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन्स. दोनों की फंक्शनिंग इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे डिफाइन करती है कि विंड जो है वो ब्लेड्स को पुश करती है जिससे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है आइदर जो है स्टोर कर ली जाती है या जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ टावर्स. एंड तो ये थोड़ा सा एक कॉस्टली प्रोसेस है, ऑन साइट सेक्शन के लिए ठीक है कि मतलब जहां पर विंड टर्बाइन है वहां पर आसपास के एरिया में रेजिडेंट मतलब जो है वो आप ट्रांसपोर्टेशन उसका हो सकता है, नहीं तो ये थोड़ा सा कैपिटल कॉस्ट जो है इसमें लार्ज है. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जहां पर टू ब्लेड्स और थ्री ब्लेड्स विंड टर्बाइन्स जो है वो वर्किंग पोजीशन पर है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन्स जो है वो नॉर्मली मैक्सिमल यूज पर है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इन कंपेरेटिव टू वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन्स. ठीक है, यस मैम. इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ टावर टाइप स्ट्रक्चर जिसमें ये ब्लेड्स होते हैं. ब्लेड्स की प्रॉपर थिकनेस जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उसकी एफिशिएंसी पर इम्पैक्ट डालते हैं, ब्लेड मटेरियल, ब्लेड थिकनेस, नंबर ऑफ ब्लेड्स, हाइट ऑफ द टावर, देन दिस इज द हब दिस फ्रॉम वेयर ब्लेड्स आर जॉइंटली जॉइंट उसको बोलते हैं हब, जिसमें जो है मेन जो उसका प्रोसेसिंग सिस्टम है गियर बॉक्स और जनरेटर वो जो है सब असेंबल होते हैं. ठीक है, इंडिया में बात करें तो विंड एनर्जी जो है विंड एनर्जी सेक्टर इट इज वन ऑफ द गुड सेक्टर ऑन द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. कुछ डेटाबेस जो है हमने कलेक्ट करा है दैट सेड दैट विद द पार्ट ऑफ रिसेंट वन currently country जो है वो has the fourth highest wind installed capacity in the world with a total installed capacity of 39.25
gigawatt and has generated 60.149 billion units during 2021. The compound annual growth rate for wind generation has been 11.39% in between 10 to 20. And for installed capacity, it has 8.78%. And according to Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, जो mainly जो है आपके new and renewable या alternative energy sources, clean energy sources जो है उससे deal करती है ministry, which is saying that 127 gigawatt of offshore wind energy with its 7,600 kilometer of coastal line से जो है potential है. Major seven states which are contributing in the 95% of commercially exploitable resources for wind energy are AP, Gujarat, Karnataka, MP, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu. Floating type wind energy mills भी अभी recent researches हुई हैं, जो हमारा sea areas है वहां पर जो है उन्होंने floating type of wind turbines को establish करा है MNRE के, it is a government sector, और वो वहां पर उसको जो है explore कर रहे हैं कि मतलब potential है, क्योंकि wind movements वहां पर ज्यादा होते हैं. मैडम शायद म्यूट हो गए. यस सर. हाँ सर, बस एक ओके ओके ऑफिस में हूँ थोड़ा सा जो है इसलिए. ओके मैम, ओके. So it's all about wind energy. Now third one is the tidal energy. Tidal energy particularly belongs to harness the energy from the help of tides. Or tides kyun aati hain? Mostly from the gravitational forces
ड्यू टू द मून एंड सन्स पार्ट. तो अगेन जो शी शोर्स है वहां पर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर जो है एस्टेब्लिश इस तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है कि जो है जो विंड जब वेव्स आए टाइड्स आए उसके प्रेशर से जो वहां पर टर्बाइन्स लगी हुई है वो मूव हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम कर पाए. तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है particularly belongs to the energy from the movement of tides. जो blades rotate करते हैं multiple times करते हैं around 12 to 18 times per minute and जो इसकी strength है या rotation का जो time है वो जो है tide की कितने प्रेशर से टाइड आ रही है उस पर डिपेंड करता है. तो टाइडल पावर को हार्नेस करने के लिए मेनली जो है लिटरेचर में थ्री वेज या जो है कम प्रैक्टिकली जो थ्री वेज जो है वो डिस्कस किए गए हैं टाइडल बैरेजेस टाइडल लैगून्स एंड टाइडल टर्बाइन्स. टाइडल बैरेज जस्ट लाइक कि जो है डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद फ्रॉम द फ्लो ऑफ टाइड्स. प्रिंसिपल इसका सेम है जस्ट लाइक दी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मींस जैसे हाइड्रो पावर में जब डैम्स के ओपन और बंद होते हैं तो जो प्रेशर से जो वाटर प्रेशर जो होता है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है आपका टर्बाइन्स को मूवमेंट के लिए. This is the diagram showing the how the turbines worked. इसमें आप देख पा रहे हैं level of the low tide और जब जो है high tide आएगी तो वाटर फ्लो मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है और टर्बाइन को जो कि मूवमेंट मूव करने के लिए हेल्पफुल होता है. देन थर्ड वन इज द टाइडल लैगून्स. जो वाटर बैलून की तरह वर्क करते हैं दो एरियाज में बीच में टर्बाइन्स हैं और हाई टाइड जब प्रेशर आएगा तो टर्बाइन्स मूव करेंगे और जो है वो आउटलेट पार्ट पे होते हुए वाटर जो है वो आगे फ्लो कर जाता है. देन थर्ड वन इज द टाइडल टर्बाइन्स. Just like the wind turbines, they have worked, but they have shorter blades as compared to wind turbines. It worked like that. Tidal current के जो है movement से इस blades इन blades का movement होगा. Applications इसकी है जो हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेजर सेक्शन या सेक्टर ये इन्वॉल्व करते हैं. फ्रेंडली है लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है. सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इनएग्जॉस्टेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है.
पर अगेन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो देर आर सम डिसएडवांटेजेस कि ये आपको ऑन साइट ही अवेलेबल है, मींस जहां पर सी शोर है वहीं पर इसकी अवेलेबिलिटी होगी, वहीं पर हम पोटेंशियल उसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है कहीं ना कहीं ये थोड़ा जो हमारी एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी है उसको नुकसान करता है। थर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है कभी कभी इसलिए बढ़ जाती है कि जो उसके ब्लेड्स हैं वो रस्टिंग की प्रॉब्लम से जो है खराब हो जाते हैं, तो वो वहां पर थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो उसकी पर्टिकुलर सिस्टम की बढ़ जाती है। ठीक, पोटेंशियल लोकेशंस जो है खंबात एंड कच्छ रीजन्स हैं। टोटल थियोरेटिकल पोटेंशियल ऑफ वेव एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 40,000 मेगावाट। OTEC is the ocean thermal energy conversion, that is also the part just like the tidal power, and it has potential of 180,000 megawatt in India. अगर हम इन जो है ocean energy को भी explore कर ले तो कहीं ना कहीं जो carbon footprinting है उसको भी हम जो है manage कर सकते। अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है दैट इज बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक तरीके से जो हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स है सोलर एनर्जी, या उसी को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट। Sunlight energy mainly converted to either due to the biomass, help of biomass converted into electricity, fuel, heat and fertilizer. Electricity mein, any example you can give me for this? Jo biomass material hai usko hum electricity mein convert kar sakte hain, par uske process ya mechanism kya honge? Anyone? Hello, I am audible? Ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। शायद हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके। नहीं, मैकेनिज्म क्या होंगे, मतलब जो है कैसे हम करेंगे, प्रोसेस क्या होंगे? बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू biochemical route is there, thermochemical route is there, biological route is there. These are the three major routes which we have to utilize for this conversion process. है ना? तो जब हम biological part की बात करते हैं तो biomass को with the help of biological part पे अगर हम उसको energy, electricity में या energy में convert करना चाहते हैं तो bioenergy नाम आपने सुना होगा। मेनली बायोलॉजिकल रूट्स जिसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबियल जो स्पीशीज है उनको यूटिलाइज किया जाता है, जैसे आपका बायोगैस हो सकता है, बायोडीजल हो सकता है, बायो इथेनॉल हो सकता है, बायो हाइड्रोजन हो सकता है। बायोगैस में अगर हम जो है यूज करते हैं बायोमास मटेरियल को तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं, उसको कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो बायोगैस आपका प्रोसेस है दैट कम्स कन्वर्ट ऑल द फोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी हार्नेस फ्रॉम द बायोमास। रिसेंटली एक न्यू टर्म चल रही दैट इज बायो इलेक्ट्रिसिटी। बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास बेस्ड मटेरियल्स। फ्यूल की टर्म्स में हम बात करें तो दैट इज बायो हाइड्रोजन।
हम हाइड्रोजन को कह रहे हैं दैट इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स और फ्यूचर एनर्जी सोर्स, फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल. तो बायो हाइड्रोजन इज ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन हीट, हीटिंग पर्पसेस के लिए भी वुडी बायोमास नॉर्मल यूज होता रहा है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कन्वेंशनल सेक्शन. एंड देन फर्टिलाइजर, इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वी आर यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स, वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग. So there are different alternatives we have on the part of biomass also. Uske jo different conversion sections hai, there are a lot of variation is available to us ki hum us jo hai us biomass ko kaise hum particular energy part par utilize kar sakte hain. So biological route ki baat kari, humne kaha thermochemical route bhi hai. Thermochemical route mein use of catalyst, pre-treatment to enhance the process efficiency. We can use that part also. Lignocellulosic biomass hai. Lignocellulosic biomass ko normally hum jo hai, with the help of pre-treatment of that lignocellulosic biomass, we can convert that biomass into bioethanol and biobutanol. And these alcoholic, bioalcoholic sources can be utilized for the आपके जो है ये एज ए फ्यूल. ओके, देर आर दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुडी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग्स. स्ट्रॉ, वुड चिप्स, बैगेस, वुड पैलेट्स. सॉलिड वेस्ट बायोमास को कैसे यूज कर सकते हैं, कंबस्शन करके. हमने कहा देयर आर थर्मल प्रोसेसेस आर देयर एंड देयर इन विच वी कैन यूज द वेस्ट मटेरियल और द बायोमास, वेस्ट बायोमास मटेरियल कंबस्शन कैन बी प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ कंबस्शन. दिस इज अ सिंपल डायग्राम शोइंग दैट how we can use solid waste material. First segregate, then after segregation organic material can be utilized for the biological processes, and the inorganic part of the of waste material can be utilized for the RDF fuel or gasification or pyrolysis processes. So ultimate products are the what we have achieved, that is the gaseous fuels which can be used for the energy sector. Another option from the biomass energy is biodiesel. So most of the biodiesel jo hai jo commercial scale par banta hai, that is from the soybean oil. There are first generation, second generation, third generation and fourth generation. Four generations of biofuel has been identified. First generation based on the particular to the use of woody biomass. Second generation of the biofuel particular belongs to the whatever the raw material or foody material we have, like corn. So वो कहीं ना कहीं controversy पर आ गया है कि जो है जो अगर हम food material को ही energy conversion factors as a energy feedstock material utilize करेंगे तो वो कहीं ना कहीं food versus fuel controversies का हिस्सा बन जाएगा. So next आया third generation biofuel. थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में उस टाइप के बायो मटेरियल्स को या बायो मास को यूज करना जो कि फूड वर्सेस फ्यूल कंट्रोवर्सी का पार्ट ना हो, जिसमें आता है आप या ऐसे एनर्जी प्लांट्स को यूज करना जैसे जट्रोफा, करंजी, जो कि हाई एनर्जी सिक्योरिंग प्लांट्स हैं
और उसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो वो हमें विदाउट एनी कंट्रोवर्शियल पार्ट जो है वो हम उसको लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। सो बायोडीजल ब्लेंडिंग आपने सुनी होगी, एज पर दी बायो एनर्जी पॉलिसी जो है देयर आर ब्लेंडिंग मोड्स हैज बीन प्रोसीड बाय द गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंटल पॉलिसी B5 B20 मींस इसका मतलब है कि जो हमारे पास नॉर्मल डीजल अवेलेबल है या नॉर्मल ट्रांस कमर्शियल फ्यूल अवेलेबल है उसमें हम 5% 20% जो है वो बायोडीजल जो हमारे पास आ रहा है उसकी ब्लेंडिंग कर दें। हम ब्लेंडिंग पे मोड पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो उतना नहीं है जितनी हमारी डिमांड है, इसलिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ऑप्ट किया गया है और धीरे धीरे ये ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं वो 100% पर चला जाएगा। जैसे जैसे हमारा जो है प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होगा बायोडीजल का, ठीक है। बायोमास बेस्ड और एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो बायो एनर्जी सोर्सेज को जो हमने कहा कि ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रेजिड्यूज है जिसमें जो है आपके पास अ लॉट ऑफ और नंबर ऑफ मटेरियल्स है जो अवेलेबल है जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और फ्यूचर में इनका पोटेंशियल है। इसको हम दो पार्ट पे यूज कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तो हम वेस्ट मिनिमाइजेशन करेंगे और दूसरा जो है इस वेस्ट को हम जब हम पर्टिकुलर वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम अपनी बायो एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको भी एस्टेब्लिश कर पाएंगे। इज इट क्लियर? हेलो, यस मैम, यस मैम। नेचुरल वेजिटेबल ग्रोथ, प्लांटेशन एंड एनर्जी क्रॉप, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द बायोमास सेक्शन। These are the major sections which has been identified on the part of biomass for energy. Agriculture sector, their dedicated crops, byproducts and residues which we can use for the energy section. Forestry, main product, byproduct and residues. Organic waste materials that can also be utilized for the energy production. These are the different agriculture feedstocks as per the literature has been available for the biopower generation. So these are the some bioenergy crops, how they work for the production of biodiesel, bioethanol, liquid fuels, heat, electricity, heat and power. So among the various renewable energy sources, biomass has also the potential source for the harnessing of the energy. थर्ड जनरेशन में आपका जो है एल्गल बायोमास भी जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द बायोफ्यूल और बायोडीजल प्रोडक्शन।
और जो एल्गल के साथ में भी एक और एडवांटेज जो है ये बायोडीजल प्रोडक्शन तो बताता ही है, दूसरा ये हमें ये भी बताता है कि जो एल्गल बायोमासेस है वो हैवी मेटल जो वेस्ट वाटर है उसकी क्लैरिटी पर भी जो है फोकस करते हैं, मींस वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और अगर हम एल्गल से बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन की, तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं फाइको रेमिडिएशन, PHYCO, फाइको रेमिडिएशन। और अगर हम प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर, तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं दैट स्टडी इज नोन एज फाइटो रेमिडिएशन। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। So it is all about the renewable energy sources. Now, if you have any question or queries,